एंड ट्रस बहुत जिम तो पैसा को नहीं फोन पे ही है तो फोन पे सबका भाई हो गया फुल रेडी और ये गांव की शादी है और ये घर हमारा घर का अंदर से एंट्रेंस है देखो। नमस्ते भैया। अरे ये चालू हो गया भाई। गार्डन का मेन गार्डन का पैसा बच गया भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अपने उस साइड तो वो है वॉशरूम में और ये वॉशरूम है इधर। ये अपना मैरिज गार्डन सेटअप इधर है। ये सेटअप है और ये पूरा सेट कर रखा है इधर। वो स्टेज है आगे। बच्चन जी आपको पल्लव चंदन निभा रहे तो तने भी कोई भी दान करो सक ले चलो। दूसरे में करिए शुभ काम के अंदर राइट में रहेंगे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं दैव क्या बेटा है राय शुभ काम करेंगे मांगलिक काम में। मांगलिक काम में दाएं हाथ में महाकाव्य The next day. तो शादी हो गई समाप्त और टेंट वेंट सब हट चुका है। ये मेरे बाबूजी बड़े वाले बाबूजी। ये तो गांव की शादी। ये हमारा एरिया था अब यहाँ पे पूरा साफ कर दिया भाई। टेंट वेंट हटा रहे अब। तो आज इलेक्शन डे है भाई यहाँ पे और 7 बजे से चालू हो गया इलेक्शन देना और शाम के 6 बजे तक वोटिंग डलेगी। माहौल शांत हो रहा है भाई। अभी तो कुछ चहल पहल ही नहीं है। अब देख के आते हैं। हाँ डल रहे वोट। ये सरपंच का घर है। माहौल देखने आए हो? भाई साहब पुलिस वाले खड़े आते सुबह ही चालू हो गए थे भाई। कॉलिंग कर सुबह चालू हो गए करना कि आज इसको वोट देना भामू को देना है ओड़ा को देना है। सरपंच के घर में मना दियो दे लो ले फोटो ले ले पुलिस पुलिस खड़ी है तो बढ़िया है। AK-47 वहां तक तो चहल पहल ही नहीं। यहाँ घुसते भाई सब खड़े ही नहीं होने दे रहे। लाइन खींची हुई वहाँ गांव का चौक है।
यहाँ डिस्कस हो रहा है, ये वोट देने के बाद डिस्कशन होता है अब है या पहले ही कि इसको देना है इसको नहीं देना। कैंडिडेट तो इसके बाहर आप कितने जने खड़े हो इस लाइन के बाहर है? ये सही अंदर नहीं जा सकते, अंदर जाके बस देखे जो वोट देने जाएगा तो अपन तो जाए जाके आ गए। अब धीरे धीरे क्राउड और बढ़ जाएगा। ये तो बंद हो गई आज की, और एक ही कमरा इधर की साइड है। हाँ। उसके पास अलमारी है, ये टेबल चेयर डल रखी है, ये अलमारी है उसकी, ये प्रॉपर घर कर रखा है, पोस्ट ऑफिस है। ये दुकान थी बंद हो गई अब तो। अच्छा ये तो खोलता है वो है। वो तो खोलेगा नहीं, हाँ। तो मिलवाएगा। तो अगली बार वोटर आईडी में नाम जुड़ाएंगे और फिर हम भी फिर वोट देने आएंगे। 3 साल में होता है क्या? कितने साल में होता है बंटी यहाँ पे? 5 साल में हो गया। 5 साल में, तो 5 साल बाद आना पड़ेगा फिर तो। पुलिस वाले से की वीडियो बना ली। हाँ वो गनमैन, हाँ गनमैन AK-47 से ले रखी। बस ये दे दो और बटन दबा दो। हाँ। आधार कार्ड? आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड कौन देना? यहीं का नागरिक हूँ। सपोर्ट कर रहे राजेंद्र भामू, ये हमारा फैमिली का। कोई ओरिजिनल नहीं है उनके पास है। चहल फहल होगी चालू। कोर्ट के बयान भी कौन भेजता? डिस्कशन हो रहा है। ओ बानी लाग रहे सरपंच आला घर पे। यहाँ खड़े क्या है पुलिस आला खड़ा पहला तो? मैं तो अंदर जा कौन सकू ने मन रोक लेगा मन लोट मच्छी को नहीं मंजू नाम है काकोरी को नाम बोली मंजू मोहन लाली है मंजू ये टाइमिंग है भाई ये लड़ रहे इलेक्शन कैमरा में ले लिया था ना लूंबो करो वोट दे मत एक नहीं है छह बजे तक गिरा वो तीन तारीख में रिजल्ट आ जाओ डिक्लेयर जाएंगे ईडन गार्डन के अंदर पिकॉक गार्डन पिकॉक गार्डन पिकॉक गार्डन के अंदर जिम खुली है ना तो ऑल द वे फ्रॉम गांव से झुंझुनू से वॉल्वो बस पकड़ के मैं उतर गया ईडन गार्डन ईडन गार्डन पे आके मैं नहाया हूँ कपड़े चेंज कराया संडे को मस्त नहा धो के अब फ्रेशन अप हो गए अब हम जा रहे हैं इनके साथ जिम देखने। आपको मामू क्यूट लग रहा है ना? मैं बिना कैप के रिकॉर्ड कर रहा हूँ पहली बार नहीं तो हमेशा कैप लगा के रखता हूँ मैं इन्होंने बोला बिना कैप के चलो चौराया आ गया यू कट करके दो इस जगह लेना चाहिए था यार घर तुम्हें यार वो कितनी चौड़ी रोड है ये देखो रखनी वाली थोड़ी वैसी रोड है ये तो बनी है रोड अब बनी है तो अपनी साइड नहीं बनी अभी तो जिम में पापा जाते हाँ। तो मैं भी जा सकता हूँ जिम हाँ। तो अभी खुली रहेगी हाँ। तो दोनों एक साथ ही हाँ नहीं पता कि वो जिम खुली है नहीं। खुली तो तुम अभी लेके क्यों जा रहे हो मेरे को किस लिए लेके जा रहे हो दिखाने
तो पिकॉक गार्डन तो देखा हुआ अपना पहले भी। पिकॉक गार्डन है जिम। जिम के पास ही पिकॉक गार्डन है। अच्छा, वॉक भी कर लेंगे। वॉक कर लेंगे। मैं तुम्हें पता है मैं कितने घंटे ट्रैवल करके आया हूँ। हाँ। और अब वॉक कर लेंगे। आपको पता? नहीं पता। आपको तो ये वाला घर देखा मामू, ये वाला घर। ठीक है। तो ये वाले घर में ना अब बच्चा आए थे। घर देने के लिए बच्चा आए थे तो फिर ना पता नहीं वो लेट साइकिल चला के आया हूँ लेकिन मेरे को मिल गई। तो जिम देखते हैं फिर मिलते हैं अपन। जिम दिखा पुरा निकल गया। अच्छा अपन इसी में तो आए थे ना डांडी वाले प्रोग्राम में। वलिका के लिए लिया है। फिर ऐसे बोले कि घर पे मेरी छोटी बहन है उसके लिए भी चिप्स दो, उसके लिए भी लिया है। हमने भी, हमने, मैं बोले इतना कि घर से 1 किलोमीटर दूर तो इनका जिम है। अगर जिम में जाएंगे तो तुम्हें जिम दिखाते हैं। और मैं आज बहुत थक गया भाई, मॉर्निंग में जल्दी उठा था फिर निकल रहे थे लेकिन निकलने का क्या वोटिंग का था तो मम्मी को वोट दिलाया गाँव में क्योंकि मम्मी की वोटर आईडी वहाँ की है तो वोट दे के अब निकले। गाइस हम जिम पहुँच गए लेकिन जिम क्लोज है भाई। घर से नहा के निकले जिम के लिए, जिम चलेंगे और टाइमिंग ये टाइमिंग था लेकिन जिम तो खुला रहना चाहिए सोसाइटी वालों के लिए। ये पैकेज टाइम में 1 मंथ का 2000 है, 3 मंथ का 6000 है और 12 मंथ का 12000 है। तो अंदर अपन नहीं जा सकते। तो अभी एक 1 वीक हुआ भाई जिम ओपन हुए थे और जिम देखने के लिए आ रहे थे लेकिन जिम क्लोज है तो अब जिम देख नहीं सकते। ये शॉप भी क्लोज है तो यहाँ बंद ही है। ठीक है, इवनिंग में खुलती होगी। नहीं, आज छुट्टी है इसलिए। तो जिम देख नहीं पाए, जिम को अंदर से मैं दिखाता तुम्हें। तो घर पे चलते अब। नहीं, अब घर पे जाके कुछ खाएंगे फिर मुरलीपुरा लिख लेंगे क्योंकि भाई मैं घर से कम ऑलमोस्ट 1 वीक बाहर हो गया। घर की याद आ रही, मेरे बेड की याद आ रही, मेरे को मेरी रूम की याद आ रही। ये पिकॉक गार्डन आ गए। ये यहाँ इतनी बार आ चुके फिर भी इनका नहीं क्या फेवरेट है। एक ही लोग, एक ही जगह बस, इसको यहाँ बैठना है, उसको पेड़ पे चढ़ना है। उसमें पानी चालू नहीं हुआ क्या? उस साइड पानी चालू नहीं हुआ अभी। यहाँ तो बहुत डेवलपमेंट होने वाला। बाकी भाई अभी तो यहाँ पे स्कूल भी बन गए, तुम्हें पता है। हाँ। यहाँ इडन गार्डन में भी स्कूल बनेगी और फ्लैट्स तो बन चुके ऑलरेडी। बहुत बड़ी जगह है भाई, बहुत बड़ी सोसाइटी है। तो ये देखो ये फ्लैट्स अभी बने, रिसेंटली बने हैं भाई। तो जिम बंद है, शॉप बंद है। तो मेरे को भूख लग रही है क्योंकि मॉर्निंग में मैं गाँव से खा के मतलब कि बस नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट किया था तो अब भूख लग रही है। अब कुछ घर पे जाके कुछ खाएंगे। और तो यहाँ से चलो यार, अब चलते चलो चलो। क्या आ गए घर पे और यहाँ से जर्मन शेफर्ड भौंक रहा है। तो डॉग तो भौंकता ही है। तो जिम भी नहीं देख पाए और अंदर भी नहीं जा पाए और बस पिकॉक गार्डन देख के आ गए। पहुँच गए अपने घर के लिए अपनी टोयोटा हायराइडर से। कभी कभी गेड़ी मारता हूँ मैं। तो बंद करते हैं, खाना खा के थोड़ा रेस्ट करके निकलते हैं मुरलीपुरा के लिए। चलो चाचा।